उनके पिताजी गीता का जो पाठ था वे मौन रहकर करते थे, और उस पाठ करते समय उसमें वे बहा करते थे, और सुबह 6:30 बजे गंगा जी से स्नान करने के आने के बाद 2 घंटे वे पूजा घर में उस पूजा की कोठरी में पूजा करते थे, और ठीक 8:30 बजे वे खाना खाने के लिए बैठ जाते थे, और खाना खाकर वे अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ते थे। किसी किसी दिन ऐसा होता किसी कारण समय पर भोजन तैयार ना होता तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, माँ डर जाती, और पिताजी के पास गुस्सा निकालने का भी समय समय ना होता। वे जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते और दफ्तर के लिए निकल पड़ते। बिना खाना खाए वे दफ्तर के लिए चले जाते तो माँ को बड़ा दुख होता। माँ जल्दी जल्दी से पुड़िया बनाती, उनका डिब्बा भरवाती, और किसी मोहल्ले के किसी आदमी के हाथ दफ्तर के लिए वह डिब्बा वे भिजवाया करती थी। और जब तक वह आदमी पिताजी को खाना खिलाकर खाली डिब्बा लेकर घर वापस ना आता, मेरी माँ खाना नहीं खाती थी। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि उन्होंने 35 साल तक नौकरी की लेकिन एक भी दिन वे दफ्तर के लिए लेट नहीं हुए, दफ्तर के लिए वे कभी देरी से नहीं पहुंचे। कितनी भी बरसात हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, 35 साल की उस सेवा काल में कभी वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। मेरे पिताजी का दफ्तर से वापस आने का कुछ निश्चित समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे कभी 8 बजे, कभी 9 बजे और कभी तो उससे भी ज्यादा देर से घर पर आया करते थे, और घर पर आने के बाद खाना खाकर वे सो जाया करते थे। और लेखक कहते हैं कि बाद में नौकरी के कई सालों के बाद में वे दफ्तर से घर जल्दी वापस आने लगे, तो उस समय वे खाना खाने से पहले किताब पढ़ा करते थे, कभी कभी खाना खाने के बाद भी वे किताब पढ़ते थे। और गंगा स्नान के लिए आना और जाना पैदल 8 मील हर रोज, दफ्तर जाने के लिए 8 मील हर रोज यानी 16 मील चलने के बाद भी अगर उनके पास रात को समय बचता तो वे घूमने के लिए बाहर चले जाते थे। यानी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी, चलास यानी चलने का शौक, यानी इतना चलने के बाद भी रात को भी वह चलने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे।